नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सीटॉक कॉटन के बारे में। एक्सीटॉक कॉटन है ना, लास्ट में एक ब्रेकआउट लेने के लिए रेडी हो रही थी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये 24.50 का यहाँ ब्रेकआउट लेने वाला था, मगर यहाँ पे आ गया इनका रिजल्ट। रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो गया और रिजल्ट आया खराब, और उसके बाद में कंटिन्यू एक तरह से बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कंटिन्यू देखा जाए तो 6 दिन से गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये गिरावट अब रुक सकती है कि नहीं रुक सकती, अपसाइड जा सकता कि नहीं जा सकता, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। पहला चीज़ बताऊँ तो एक सपोर्ट यहाँ पर देखिए जो पुराना है, जब यहाँ से अपसाइड जाना चालू किया था तो एक चीज़ था कि यहाँ पर ना वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिला था। वॉल्यूम के चेंजेस क्या था कि दिन में जो अभी कंटिन्यू अभी जो मार्केट ट्रेड हो रही है उसमें ना दिन में आप अगर एनालिसिस करते हो गए तो इसमें ना सेलिंग पोजीशन कम हो जाती थी जब यहाँ पे हो रहा था, बराबर ना। यहाँ की बात कर रहा हूँ, सेलिंग पोजीशन कम होता था और बाइंग पोजीशन बढ़ जाती थी। और आज के दिन ना यही चीज़ इसमें देखने को मिल रहा है। अभी देखा जाए ना तो देखो सेलर की क्वांटिटी कितनी है, तो 7,64,000 का। बायर कितनी है तो 10,96,000 का। तो ये भी अच्छा देखने को मिल रहा है। दूसरा क्या, डिलीवरी बेसिस कितना है, तो पहले 46-42 के आसपास था, अभी देखिए आज कितना है, 58% का डिलीवरी बेसिस है। इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो इसके हिसाब से अपने को समझना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ही अचानक से अपसाइड चल रहा है या कल के दिन। मेन क्या है, सपोर्ट एरिया, सपोर्ट के आसपास ही ये आ गया, इसलिए थोड़ा ना इसमें दोबारा खरीदारी देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे ना एक सपोर्ट एरिया जो है 22.45 का है, मार्केट कितने पर ट्रेड कर रहा है, तो 22.95 का, तो मतलब मोटा मोटा 23 पर है। और यहाँ पे कम से कम 0.50 का एक तरह से गैप है, तो यहाँ तक का एक सपोर्ट एरिया है। जब तक इसको होल्ड करता है और यहाँ से अपसाइड देखो, ये कल नहीं तो परसों तक ना इसमें थोड़ा सा एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। अगर अपसाइड जाता है तो पहला एक टारगेट रहेगा 24.40 तक का। क्यों ऐसा बता रहा हूँ, देखो रिजल्ट तो आया, मान लिया खराब आया, लेकिन रिजल्ट का इम्पैक्ट कितना दिन होता है, कम से कम 6 दिन 7 दिन, बराबर ना। तो एक हफ्ता तो कंटिन्यू हो ही चुका है, तो इसमें ना थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिल सकती है। और कल क्या है, कल शुक्रवार है, परसों नरसों से इसमें मोस्ट ऑफ चांसेस देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर दूसरा सपोर्ट एरिया जो बनेगा ना वो नीचे का 20.75 तक का है। मगर यहाँ से अगर बाई साइड लेता तो पहला 24 रहेगा, और इसके ब्रेकआउट लेने के बाद में दूसरा टारगेट देखने को 27 तक का देखने को मिल सकती है। अभी रिजल्ट आने में फिर 3 माना जाएगा, तो एक तरह से अगर बाई मूवमेंट वॉल्यूम कंटिन्यू देखने को मिल जाए तो ये 27 तक का तो जरूर देखने को मिल सकती है। बाई साइड लोगों का रिकमेंडेशन ये है।